नमस्कार दोस्तों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा में हम हृदय के बारे में पढ़े थे कि हृदय की संरचना कैसे होती है, हृदय की कार्य विधि कैसे होती है, हृदय से किस प्रकार से ब्लड पंप होकर शरीर के प्रत्येक भागों में जाता है, धमनी का क्या काम है, सिराओं का क्या काम है, फुफ्फुस धमनी के बारे में पढ़े थे, फुफ्फुस सिरा के बारे में पढ़े थे, अलिंद और हम नीले के बारे में पढ़े थे। यदि ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस लिंक से उस वीडियो को आप देख लीजिए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि उस वीडियो को आप पूर्ण रूप से पूरा देख लेते हैं तो हृदय से आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन इसके बाहर का नहीं होगा और आपका क्वेश्चन 100% हल होगा। तो आज उसके बाद दो टॉपिक और बचता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो टॉपिक हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ है और इसमें उसको पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। पहला हमारा है रक्तचाप, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, और दूसरा हमारा टॉपिक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये तो मेनली जांच वाली, हृदय की जांच के लिए जो है ये इसको पढ़ेंगे हम। लेकिन पढ़ते हैं रक्तचाप क्या होता है। रक्तचाप बहुत जरूरी है। रक्तचाप क्या है? धमनियों के ऊपर रक्त के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, मतलब धमनियों पर रक्त के द्वारा डाला गया दाब या लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? 120 mm/Hg/80 होता है, जिसमें जो 120 होता है इसे हम सिस्टोलिक कहते हैं और जो 80 होता है इसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। इसको समझते हैं, सिस्टोलिक क्या होता है? जब हमारा जो हृदय मतलब संकुचित होता है, इस प्रकार होता है, तो उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं जो 120 mm/Hg/80 होता है। इसके बाद जो उसी संकुचित होने के फलस्वरूप, क्योंकि धमनियों के द्वारा ही ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, इसलिए क्या होता है? ये सिस्टोलिक होता है। एक होता है डायस्टोलिक, वो 80 होता है, जो सिराओं पे लगाया गया दाब ब्लड के द्वारा सिराओं पे लगाया गया दाब क्या होता है? डिस्टोलिक होता है, जिसका मान 80 mm/Hg होता है। ये सामान्य मनुष्य का जो है रक्तचाप होता है। कभी कभी क्या होता है, मनुष्यों में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसे पढ़ने पहले हम पढ़ लेते हैं ब्लड प्रेशर। सबसे पहले 1733 ईस्वी में स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़ों का ब्लड प्रेशर नापा था। अर्थात स्टीफन जो हेल्स है, इन्होंने 1733 ईस्वी में घोड़ों पर जो है घोड़ों का बीपी इन्होंने नापा था। अब पढ़ते हैं हम निम्न रक्तचाप, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। पूछा जाता है हाइपोटेंशन क्या होता है, तो समझ लीजिए, यदि ब्लड प्रेशर कितना 100, यदि ब्लड प्रेशर 100/60 का तात्पर्य है कि ब्लड प्रेशर का मान 100 माने सिस्टोलिक, 100 mmHg कितना mm/Hg, और बटे 60 माने सिस्टोलिक 100 और डायस्टोलिक 60 हो जाता है, तो निम्न रक्तचाप, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, जब किसी का रक्तचाप निम्न हो जाता है उसका शरीर सुस्त हो जाता है, उसके शरीर में दर्द रहता है, उसको निद्रा बहुत आती है। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि उसको काम करने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों जैसे किडनी, मस्तिष्क, हृदय आदि में सही से नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आपको हमने जब ब्लड पढ़ाया था, हमने बताया था कि ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है और ब्लड में ही क्या होता है, पोषक तत्व होते। जब ये पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नहीं पहुंच पाते तो हमारा शरीर क्या होता है, सुस्त हो जाता है। अगर हम इस हाइपोटेंशन पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे सब आंतरिक काम करना बंद कर देते हैं और हमारा क्या होता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। अब अगला पढ़ते हैं हम उच्च रक्तचाप मापी, जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। इसको समझते हैं, जब किसी का ब्लड का दाब 120 से अधिक, मतलब सिस्टोलिक क्या है 120 माने 150 और डायस्टोलिक
80 से 90 हो जाता है तो उसे हम उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं। इसको समझते हैं क्या होता है कि जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है, पहली प्रॉब्लम का उसके सर में दर्द होता है, सांस फूलने लगता है, उसको नींद नहीं आती है, उसका क्या होता है, उसका वो हमेशा उलझा उलझा रहता है और उसको चक्कर आता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के क्या है, लक्षण होते हैं। अच्छा, अब हम समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और उच्च ब्लड प्रेशर हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या होता है, रक्तचाप मापी या जिसे को हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, जो चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है ये स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। इसी के द्वारा जो है ब्लड प्रेशर नापा जाता है। इसमें क्या होता है, एक पैमाना देखिए बना हुआ है, पैमाने में क्या है, 10 लीटर के 300 तक 400 तक क्या पैमाना बना हुआ है, इसमें क्या बड़ा होता है, पड़ा होता है। उसी को जब इसके बाद एक पट्टा होता है डॉक्टर द्वारा हमारे हाथ में, तो क्या होता है, लपेट जाता है, जो चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद डॉक्टर उसको क्या पंप के द्वारा क्या उसमें हवा भरता है, और आले के द्वारा क्या होता है, हमारे हाथ इसी नसों पे आले द्वारा उसकी धड़कन को सुनता है। जब धड़क वो पंप करता रहता है और आला के काम लगा जाता है, जब धड़कन करना बंद कर देता है हमारे क्या नाम ये नसें, तो उसको नोट करता है किस पैमाने पर वो धड़कन करना बंद किया, उसको नोट करता है। फिर वो धीरे हवा क्या करता है, वायु को खोलता है दाब को, और जिस अंग पर फिर वो धड़कन करना शुरू करता है उसको भी नोट कर लेता है। वही क्या होता है, आपका सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है। हमने आपको हृदय पढ़ाया था, हमने बताया था ये जो आप दिखाई पड़ा है ये आपका निलय होता है। इसी निलय के द्वारा क्या होता है, क्या ये संकुचित जब होता है तो धमनियों के द्वारा क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो मेनली ब्लड प्रेशर से ये ज्ञात होता है कि यदि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमको क्या आएगा, हमारा कभी कभी क्या होता है, हार्ट अटैक अधिक हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, पर समझिए, अधिक मोटापा, यदि हम अधिक फैट का सेवन करते हैं या अधिक कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, इसके साथ ही हम रेशेदार जो है सब्जियों का प्रयोग या रसदार पोषक तत्वों का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर में फैट व कोलेस्ट्रॉल, शरीर में फैट व नसों में क्या होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जब ये नसों में फैट बढ़ता है तो क्या करता है, हमारे नसों, जब हमारे शरीर में फैट बढ़ता है तो नसों क्या करता है, नसों को दबाने से नसों की दीवार क्या होती है, पतली हो जाती है, और ब्लड इस स्पीड से, अर्थात जो ब्लड इस दाब से जाता है उस दाब से अधिक उसको जो है हमारे हार्ट को क्या होता है, दाब लगाना पड़ता है ताकि ब्लड हमारे शरीर में पहुंच पाए। इस स्थिति में क्या होता है, कभी कभी हमारा हार्ट क्या होता है, फेलियर हो जाता है, हमें हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक, अच्छा, एक चीज और हम समझते हैं कि एक जो है इसको अगर हम इसे कंट्रोल करना हो तो इसकी क्या है, इसका कंट्रोल करने का एक है, क्योंकि यदि किसी को ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया तो मेनली उसको लाइफ, पूरी लाइफ उसको ब्लड प्रेशर की, मतलब बीपी की दवा खानी पड़ती है। तो उसका एक है, आपको तो अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा, जैसे आपको व्यायाम करना पड़ेगा, सुबह उठ के व्यायाम करिए, ठीक है, सुबह उठ के व्यायाम करिए, टहलिए, घूमिए, जो है मतलब वसीए और कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन का प्रयोग कम करिए। और एक चीज सुनिए, यहाँ पे लिखा गया है कैथलेब, समझिए कैथलेब, समझिए कैथलेब क्या होता है, कैथलेब क्या होता है, ये हृदय विभाग में स्थापित एक मशीन होती है जिसके द्वारा कोरोनरी महाधमनी की फंक्शन को देखा जाता है, कि जो कोरोनरी महाधमनी है एक प्रकार से फंक्शन कर रही है। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये ईसीजी समझते हैं, ईसीजी क्या है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये हृदय के विद्युतीय क्रियाओं को जांच करने की मशीन होती है, क्या होती है, विद्युत, हृदय के विद्युतीय क्रियाओं को जांच करने की मशीन होती है। मेनली इसको PQRS टेस्ट भी कहा जाता है, हमने लिखा है PQRST टेस्ट ग्राफ भी कहा जाता है। अब हम इसको समझते हैं, ये देखिए, ये चित्र में आपको दिखाई पड़ा है, यहां देखिए किस प्रकार से होता है, ये ग्राफ रूपमा ऐसे होता है, जब हमारे अलिंद में, किस दाएं अलिंद में ब्लड प्रवेश करता है तो उसको हम क्यू दर्शाते हैं, क्यों क्या दर्शाते हैं, कि सॉरी उसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद पी, और जब वो ब्लड जो है अलिंद से निलय में आता है तो उसे हम क्यू डिनोट करते हैं। इसके बाद जब ब्लड जो है निलय के द्वारा धमनियों में जाता था, जब धड़कन हमारी अधिक होती है तो आर से डिनोट किया जाता है, और क्या है, जब धड़कन कम होती है, अर्थात जब ये इसके ये ग्राफ हमारा नीचे जाता है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये PQRS टेस्ट होता है, ये हमको ये बताता है कि
हमारा हृदय किस प्रकार से धड़क रहा है, हमारे हृदय में क्या कमी है, हमारे हृदय में वसा कितना इकट्ठा हुआ है, या हमें भविष्य में हमारे हृदय में क्या घटना घटने, मतलब क्या होने वाला है, अब जो है हार्ट अटैक या हार्ट स्टोन क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली, इससे हमें ये जागरूक, मतलब इसका टेस्ट करने से हमें क्या होता है, हमें इसका ज्ञान हो जाता है, जिससे हम अपने आप को क्या करते हैं, इलाज करा के बच सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोग्राफ था, बीपी था, ये हमने आपको समझाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमें इसको आज कक्षा में, इसकी कक्षा छोटी है, लेकिन ये क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ ये परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर पूछा जाता है कि बीपी क्या है, बीपी प्लस बीपी क्या है, या कभी कभी पूछा जाता है कैथ लैब कहाँ होता है, किस विभाग में होता है, तो कैथ लैब हार्ट विभाग में होता है, हार्ट जो जहाँ हार्ट की विभाग होता है, माने हृदय अस्पतालों में जाओ हृदय विभाग होता है, वहाँ कैथ लैब की स्थापना की जाती है, हृदय की कोरोनरी धमनी की जांच करने के लिए की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम आपको एक टॉपिक और बचा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड डोनेशन। क्या है? ब्लड का आधान, किस प्रकार से ब्लड का आधान किया जाता है, ब्लड के कितने ग्रुप होते हैं और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड का आधान कैसे किया जाता है, तो इसको हम अगली कक्षा समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, यदि वीडियो को आप वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय हिंद।